के मन से उनसे कहीं ना कहीं गैर बराबरी पर आधारे हैं। वो गैर बराबरी हमें पुरुष और महिला में भी दिखाई देती है, हमारे अपने संबंधों में दिखाई देते हैं, हमारे युवाओं में दिखाई देते हैं। और जैसे कि भाई स्वतः जी ने कहा कि अब कुछ हद तक अगर इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए, कहीं ना कहीं हमारी लड़कियां हमारी लड़कियां भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कारण। लेकिन उस कारण से पहले मैं स्पष्ट करके तब अपनी बात रखना जरूरी हो ये कि जिस तरीके से मीडिया आज का है हमारे समय, जो कोशिश करता है समाज कहां से सीखता है, या तो वो लेखन से सीखेगा, या फिर मीडिया से सीखेगा, या आस पड़ोस के वातावरण से सीखेगा। इसको मैं छोटी सी बात के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूंगी। एक बार क्या हुआ, एक बहू थी, नई नई बहू आई गांव में, अपने परिवार में थी, अपने परिवार ज्यादा करते तो घरों को नहीं होता, खासकर खाने के मामले में तो बिल्कुल नहीं होता। हमारा जो खाना है वो पेट भरने के लिए होता है, सारे का सारा जो शरीर में जो चाहिए होती है उसके लिए नहीं होता, हमें सिर्फ पेट भरना है। इसलिए हम खाना के तरीके से रोटी सब्जी ज्यादातर सब्जी मिलती थी। हमारे बहुत सारे महिला मुझे पहले भी दूसरों के घरों में काम करती है, सब्जी अचार मिलते तब तक तो रोटी खाई जाती। हमारा बहुत सारा पुरुष मदान समाज है, तब फिरता खाए दारू पीते और रात में आते फिरता। ये भी एक समाज की कड़वी सच्चाई है, अगर इसको नजरअंदाज कर दे तो आप अपने आप को धोखे में रख। गाँव में देहातों में इन शहरों में भी जाकर देखें कि लगभग यही हालत एक एक ऐसे करते आज। लेकिन मैंने बात करना शुरू की थी कि हमारे जो बहू आई वो नई नई आई थी, तो उसने उसका जो ससुर था वो मुर्दा लेके आया, मुर्दा काली माता को चढ़ाना थे ना, पूछताछ करवाई होगी कहीं पहले। तो वो मुर्गा लेके आया, उसने अपने दोनों को कहा कि बेटा यूं कर इस मुर्गे को बढ़ा दे। हमारे समाज में आज भी इसको दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जाता है कि आज भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी है। जो अपर कास्ट की जो महिलाएं हैं और दलितों की जो महिलाएं, कहीं ना कहीं आज भी थोड़ी सी बची हुई है। आजादी के मामले में कहिए, रिस्पेक्ट के मामले में कहिए, बराबरी के मामले में। खैर उस बहु को आगे उसके ससुर ने मुर्गा देने वाले के लिए दोनों मुर्गा अपना काट पीट कर जो भी करना था वो चूल्हे पर चढ़ा। चूल्हे पर चढ़ाने के बाद जब वो हिंदू लग गया कि पकड़ा होगा, उसने क्या करा, चम्मच घुमाई और बस कहीं बैठा तो देखा, चाटते तो देखा मेरे समाज से आया नहीं। उसने क्या करा, अपने पर्ची के लिए एक पीस निकाला, थोड़ा सा चखने के तरह से खाया, लेकिन वो बड़ा स्वाद लगा। वो तो उन्होंने सोचे ये मेरा खाने का तो मुर्गा तो अच्छा बन गया, उसने सोचे कि एक और पीस खा के देने लगा। उन्होंने अपना पर्चे खुला कर एक और पीस अच्छा सोच में तो उनका एक और देगा। वो हुआ ही हूँ वो उसने तो यही भी रहा था ढंग से कुछ खाने पीने का लगा था, वो मुर्गा बड़ा अच्छा लग गया उसको। उसने सोचा देख ही जाए तो खा तो सही, उन्होंने अपना जो जो कड़ी देर उसने जो उसका ससुर था
वो आके उसको पैरा मिल गया। उन्होंने बोला ए माई मेरे गम ना छोड़ दे, नया नया ब्याह हुआ है, हम तो जो मांगे ए माई दे मांगे। तो उन्होंने भी अंदाजा लगा कि ये बस देख हो पाए अपने पाप में। उन्होंने बोली चाहे तो तेल में पानी अनेक गुरु को लगा। और शुक्र बोला वो अगर भी मजा पर उसको पैरा में समय ये दिया प्रकार ए माई राजी हो गए। उन्होंने बोले ए माई पतिले में पानी भर दो बस दोनों छोड़ दे। तो नहीं नहीं हाँ।
सरकार देता है। तो और इसका सबसे बड़ा कारण ये है, आपने देखिए ना कितना बड़ा मुख्यमंत्री जो दलित समाज से आता है एक तरह से, वो ये कहता है कि अरे लड़कों से तो गलतियां हो जाती है तो उनको फांसी पे लटका है। अगर ये सोच हमारे राजनेताओं की है, मैं राजनेता की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने विषय रखा हुआ है कि राजनेता क्या करते हैं, अगर ये इस तरह की किस्मत अगर लेके चलता है हमारे राजनेता तो हम किस समाज की बात करते हैं, कौन सा समाज? यहाँ ऐसा समाज जब जो ये कहते हैं कि अगर ऐश्वर्य राय को लड़का हो जाएगा तो एक दिन के लिए सोना सस्ता हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? मायने है, कुछ ना कुछ मायने है जो आदर्श बनते चले जाते हैं महिला में, जो जागरूक है वो भी कहीं ना कहीं ये मान भी सकते हैं कि अब तो कर रहा है तो हम क्यों। ठीक उसी तरह हमारे जो हिंसा है इसको टक्कर की बजाय हिंसा को शारीरिक हिंसा, महिला पर होने वाली शारीरिक हिंसा लगता है बड़ा खराब शब्द है जो दिया गया है, इसको पुनः हम एक एक्सीडेंट पेश की तरह ले, क्यों वो महिला जो उत्पीड़न है, वो जो लड़की जो उत्पीड़न है वो सारी उम्र इसी का शिकार है, उसके साथ एक घटना हुई और जो सबसे ज्यादा दुखिता का कारण, जो सबसे ज्यादा पवित्रता का कारण, ऐसा क्यों? अगर ये घटना उसके साथ हो तो वहां पर एक घटना सामने रख दिया, क्यों नहीं इसको हम हिंसा का रूप में स्वीकार करें? अगर आज हमारे बेटियां कि अगर आज पाला सपा देश में हमारे सामने ऐसा अध्याय किया है जो ब्राह्मणवाद को बहुत अच्छी तरह
नहीं था मुझे फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता रहा गया, लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी मजबूरी थी। जब लेकिन जब वो मौका हाथ से नहीं मिलता है उसको, वो तुरंत अपने चल देखा अपना चेहरा तुरंत। मैंने ब्राह्मण बात किया, ब्राह्मण ने समाज सबसे बन हमारे अंदर भी ब्राह्मण बात है। बहुत सारे हमारे जो जातियों के अंदर जो जातियां हैं वो क्या है, वो भी ब्राह्मण बात। आज मुझे नहीं लगता हरियाणा में कोई ऐसा उदाहरण रहा होगा, केवल ममता सोदा जो इतना बड़ा काम किया जिन्होंने। मुझे मैं एक तो इसका मतलब तो यह मतलब कि हमारा जो दलित समाज इसके लिए हमने मन से हम ही है सभी को पहले लेके बता तो रहे हम जाति के अंदर जाते बता वहां हम दलित शब्द संबोधित करना चाहिए। संगठन के लिए जरूरी, औरों को दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। और संगठन में क्या ही काम होता है, जो एक ऐसा जो मुझे संगठन के लिए बड़ी से बड़ी विचार जब आता है छोटा सा उन्होंने कहा था कि विचार की क्रांति एक ऐसी क्रांति है जो मरने के बाद भी जिंदा है। जब उनके दोस्त ने पूछा कि तुम्हें कल तुम्हें पकड़ा दिया जाएगा और तुम बताओ तुम इतने खुश क्यों, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं मरूंगा जब मैं विचार करूं जिंदा हूं। ये बात सभी जगह लागू है, न सिर्फ हमारे दलित समाज के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर भी लेगा। वहां भी तो बकायदा है, तो इसी तरह के पानी भाई साहब ने सवाल उठा था, बहुत वाजिब था कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण भाव से बाधित होती है। यही वजह है वो भी इसी तरह के पानी है तो इंसानी घर में तो परिवार में उनके भी है, तो वो कैसे इसमें हम कैसे नहीं मान लेंगे। नहीं जो न्याय लेगा हमारे जो निर्णय देती है ऐसे कैसे हुए वो बहुत याद आता है। और ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है कि जिसकी खाकर
मतलब करके लेकिन सारी चीजें जुड़ी हुई है इसको इस विषय को सिर्फ एक चीज से मैं कहते हैं देखा भी कि प्राधिकार की घटना होती है क्यों होती है इसको कैसे खत्म किया जाए बहुत सारे कारण इसमें आप सबके बहुत सारे प्रोफेसर ने बताया छात्रों का क्या ये सारी की सारी चीजें इन किस से जुड़ा और इससे जुड़ने की वजह से हम एक ऐसे समाज का संगठन अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए ऐसी चर्चा है जो प्रेजेंट की एक भी नहीं आपने अपनी अपनी कॉन्फ्रेंस ग्राउंड लेवल पर
आपने देखा कुछ देखा बस पकड़ी तरह हारे देखिए मैं हंगामा हो गया ये बात नहीं कर रहा था किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की वो अपने काम का उपयोग करते हैं आप पढ़ रहे हो उनको पढ़ने में लगे हुए उनके बाद पढ़ने का लेकिन असली जो चीज है जो जड़ है वो तो महिलाएं भी करती ये क्या बनाए जितनी बताई मैंने ये तो महिलाओं के साथ करती है आप ये मैं कैसे कह सकती हूँ कि एक लड़की जो घर से बाहर निकलती है वो क्या सोच के निकली क्या फिर अपना इसको ये कहूँ कि लड़की की मदद भी होनी चाहिए लड़की को ये बताया जाना चाहिए कि हाँ बेटी आपको ठीक ठाक निश्चित असर करता है जब तक वो घर ना है मदद भी फंस जब तक वो घर में है क्यों आप लड़की को भी मॉनिटरिंग की बात करें खुद खुद आप क्या करें अगर आप ऐसे ऐसे स्थलों पर ऐसी चर्चाओं में महिलाओं को भागीदारी नहीं बनाएंगे आप उनको लेकर ही नहीं आएंगे साथ में घरों में बात करना बहुत दूर की बात है छोड़ दीजिए ये कहने की बात हम नहीं कर सकते हम मान नहीं कर सकते बात की बात बहुत दूर की बात क्योंकि हमारी सोसाइटी का जो ढांचा है वो इन चीजों को बात नहीं करता और यही वजह है कि आज हम यहाँ अपने आप को आ गए लेकिन उनको लाने की जरूरत नहीं है जिनके ऊपर विषय है मैं प्रोफेसर साहब से ये बात करते आए उन्होंने ऐसे बात करते मैंने उनको ये बात अगर मुझे कोई गाइड करता है तो एक मात्र बुलाया और एक पैसे की वजह सबसे बुलाया और इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये तो महिलाएं और ये तो जिनके साथ हो रहा है जो जिनके साथ घटनाएं घटती है वो आप ही सोचते ये तो घटने जा रही आप इसको नया क्या करना है क्यों आप बड़े दरवाजे बड़े उम्र कराना है वो देने तो सबसे पहले आपने ग्रोसरी शुरू किया सबसे पहले तो समानता का जो अधिकार था जो शिक्षा का अधिकार था जो पुत्र विवाह में रहने का अधिकार था पैसे जब पुलिस तेरे को करने के बनाए पैसे खत्म हो गया तो ये जो सारे अधिकार थे सबसे पहले जो दूसरे का उसमें अधिकार थी है तो आज क्या वजह है कि हम अपने आप को कंवर्ट करवा देते हैं अपने आप को मूल्यवासी कहते हैं मुझे मूल्यवासी शब्द को उसमें उनका डाउन होता है कौन सा मूल्यवासी क्या वो आदमी अपने से मूल्यवासी हुआ ये तो यही सवाल उठता है बस हमारे संस्कृत में यह है कि जो पुरुष की जो रचना हुई है वो पुरुष से अगर एक मन भी आज के साइंस को बहुत अलग अलग है पहले के साइंस आज के साइंस की अवस्था हो अगर मान भी ले कि चलो पुरुष नहीं पैदा हो रहा महिला भी होनी चाहिए किसे पुरुष है वो तो नहीं ये तरीके का सवाल है जो आज काम से कि आप महिलाओं की बात कर रहे हैं महिला भी तो खैर इसका निवारण का सबसे बड़ा जो मैं मानती हूँ प्रैक्टिकल बनाया जाए कि सबसे बड़ा निवारण जो हो सकता है वो ये कि हम ऐसी ऐसी चर्चाओं शर्मिंदगी को छोड़ें एक सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं कि अपने बहनों को अपने बहु बेटियों को बचपन से पढ़ाने कम से कम कुछ महसूस तो करें यू मानने के लिए आदमी को देखते हैं यहाँ तो आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि महिलाएं अपने भाइयों से भी वो पिता या वो भाई अपनी बहन को पिंजरे में रखना चाहता है लेकिन दूसरों की बहनों को सबकी तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल हमारे लिए होता है कि हम अगर सच में निवारण करना चाहते हैं तो महिलाओं को लड़कियों को शिक्षित करके तो शिक्षा सिर्फ शादी करने के लिए ना क्योंकि ये दरवाजे को ठहरने वाला लड़का अरे दरवाजे नहीं वाला लड़का बोले जाएगा उन्हें प्रश्न इसलिए बल्कि शिक्षा का मतलब जागरूकता चेतना से है समाज में इतिहास बन रहा है कि महिलाओं ने बराबर की भागीदारी में अपनी भूमिका निभाई महिलाएं शरीर नहीं है ये हर एक पुरुष को समझने की जरूरत है अगर महिला को मौका मिलता है तो आपके कैंसर की टीम अपना होता है वहां तो आदमी भी दिल जाता है खाई में तो
ये मानसिकता ऐसी बनती है तो ललिता शरीर नहीं है जो एक माँ जो एक बाप अपनी बेटी को शरीर की नजर से देखता है, जो भाई अपनी बहन को बहन ना मानकर सिर्फ शरीर की तरफ देखता है। अगर उस बहन को उस बेटी को इस तरीके की शिक्षा मिल जाए तो मैं ये कह सकती हूँ कि शायद कहीं ना कहीं को जागरूक होकर इस समस्या का इस हिंसा का समाधान खुद निकाल सकते। आप क्यों उनके ठेकेदार बने, उनको भी बोलने दीजिए, उनको भी मौका दीजिए ना कि बोल के क्या। हम चाहते हैं हमारी बेटी सुरक्षित कॉलेज में इसलिए आ जाएगी तो छुट्टी दे दी जाए, जहाँ ज्यादातर लोग ऐसे करते हैं, खासकर हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो यही कर रहा है, काम दे देगा कि बच्चे को सुरक्षित रहे घर आ जाए। लेकिन आप इतनी सी ज्यादा देख तो भी कह सकते हैं कि वो अगर कोई रात में उसको लगातार ठोक रहा है, लगातार उसको पूछा कर रहा है तो खुद के अपने घर में पता नहीं होता। क्यों? क्योंकि घर का चार पर पैसा है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि हमारे तो जितने भी संगठन आप सब भाइयों से पूरे किलोमीटर से निवेदन कर सकते हैं कि हम अपनी महिलाओं को हम अपनी बेटियों को हम अपनी बहनों को जागरूक कराएं, ऐसी ऐसी चर्चा में भागीदारी की। जब महिलाओं को लड़कियों के लिए भागीदारी होगी तो वो जागरूक होगी, चेतना से होगी, वो हर एक समस्या का समाधान निकाले। उन पर अगर ये ऐसी हिंसा होती है तो जैसे कि वकील साहब ने कहा था कि जो फैक्ट जो दिया जाना चाहिए समाज की भावना नहीं है और महिला हम कुछ इधर लेकर जाते हैं।